नमस्कार, आज की इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब पर ईडी ने आज बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने परब के पुणे और मुंबई में 60 ठिकानों पर छापेमारी की है। तो अमरावती जिले के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को दिंडोशी कोर्ट से अवैध निर्माण मामले में राहत मिली है। वहीं मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अधिसूचना जारी कर दो पहिया वाहनों की पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। इस बीच गुजरात में महाराष्ट्र की अपेक्षा पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के लोग सीमा पार कर गुजरात जा रहे हैं। तो उधर खालिद उस्मान शेख ने ईडी को बताया कि उसे दाऊद के छोटे भाई इकबाल कास्कर ने बताया था कि दाऊद परिवार के खर्च के लिए हर महीने 10 लाख रुपये भेजता है। प्रदेश के इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब पर ईडी ने आज बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने परब के पुणे और मुंबई में 60 ठिकानों पर छापेमारी की है। शिवसेना नेता के खिलाफ करोड़ों की रिश्वत लेने का आरोप है। ईडी ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया हुआ है, जिसके तहत उनके 7 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। उनका बयान भी दर्ज किया गया है। अनिल परब के ठिकानों पर ईडी की रेड के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को छापेमारी करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पता नहीं राज्य मंत्री अनिल परब के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों की गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने अनिल परब के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी पर कहा कि हम अनिल परब के समर्थन में हैं। विपक्ष के खिलाफ बीजेपी केंद्र सरकार की एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, ये सिर्फ महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की साजिश है। प्रवर्तन निदेशालय की ये कार्रवाई परब द्वारा जमीन की खरीद फरोख्त के लिए 1 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में की गई है। परब पर इसको लेकर एक केस भी दर्ज है, जिसे 2019 में पंजीकृत किया गया था। आरोप है कि जमीन को मुंबई के एक केबल ऑपरेटर सदानंद कदम को 2020 में 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बेच दिया गया था। बता दें कि शिवसेना नेता अनिल परब का नाम अंबानी बम धमकी मामले में भी आया था। गिरफ्तार मुंबई पुलिस के पूर्व एपीआई सचिन वजे ने उन पर कई आरोप भी लगाए थे। अमरावती जिले से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को दिंडोशी कोर्ट से अवैध निर्माण मामले में राहत मिली है। अदालत ने बीएमसी को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक राणा दंपति के खिलाफ कार्रवाई न की जाए। दरअसल राणा दंपति का मुंबई के खार इलाके में फ्लैट है, जिसमें बीएमसी ने अवैध निर्माण की बात कही है। इस प्रकरण में 4 मई को महानगर पालिका के अधिकारियों ने नवनीत राणा के घर का मुआयना भी किया था। इस इंस्पेक्शन के पहले राणा दंपति को बकायदा बीएमसी ने नोटिस भी भेजा था। हालांकि तब नवनीत राणा के घर पर कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद बीएमसी दोबारा उनके घर पर जांच पड़ताल के लिए गई थी। कुछ दिन पहले बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने राणा दंपति को दूसरा नोटिस भेजा था, जिसका राणा दंपति ने जवाब दिया था। हालांकि उनके जवाब से बीएमसी संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उन्हें फिर नोटिस भेजा गया था। बीएमसी का कहना है कि जांच में फ्लैट के अंदर कई तरह के अवैध निर्माण पाए गए थे। संतोषजनक जवाब न मिलने की सूरत में बीएमसी ने कार्रवाई करने की भी बात कही थी। बीएमसी के नोटिस के बाद राणा दंपति ने दिंडोशी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राणा दंपति कुछ समय से सुर्खियों में है। मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पाठ करने की उनकी घोषणा के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई थी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अधिसूचना जारी कर दोपहिया वाहनों की पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि ये नियम 15 दिनों बाद प्रभाव में आ जाएगा, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस अधिकारी उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर देंगे। अधिसूचना के अनुसार यातायात पुलिस ने पाया है कि दोपहिया वाहनों की पिछली सीट पर बैठने वाले ज्यादातर लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। अब तक बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने 500 रुपए का जुर्माना लगाया है या उनका लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब 15 दिन बाद पिछली सीट पर बिना हेलमेट के बैठने वालों पर भी इतना ही जुर्माना लगेगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अगर इस नियम का पालन मोटरसाइकिल सवार नहीं करता है तो उनका लाइसेंस भी 3 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा लाया गया ये नियम सरकार द्वारा हाल ही में 1998 के मोटर वाहन अधिनियम को संशोधित करने के बाद सामने आया है, जिसमें दोपहिया वाहन चालकों और सवारों के लिए ठीक से हेलमेट नहीं पहनने पर 2000 तक का तत्काल जुर्माना जोड़ा गया है। संशोधन के मुताबिक कुछ खास परिस्थितियों में 2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जैसे यदि वाहन चालक ने हेलमेट पहना हुआ है लेकिन उसका बकल खुला हुआ है तो इस पर भी 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणित नहीं है तो आपसे 1000 रुपए का जुर्माना वसूला जा सकता है।
केंद्र सरकार ने भले ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें कुछ कम कर दी हो, लेकिन सस्ते तेल के लिए लोग राज्य की सीमा तक पार कर जा रहे हैं। दरअसल गुजरात में महाराष्ट्र की अपेक्षा पेट्रोल और डीजल की कीमत है। ऐसे में महाराष्ट्र के कुछ लोग सीमा पार कर गुजरात जा रहे हैं। वलसाड़ में एक पंप मालिक ने कहा कि महाराष्ट्र की सीमा यहां से 2 किलोमीटर दूर है। लोग हमारे पंप से तेल खरीदते हैं क्योंकि महाराष्ट्र की अपेक्षा हमारे यहां पेट्रोल में 14 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 3.5 रुपए सस्ता है। महाराष्ट्र के एक ग्राहक ने कहा कि मैं अपने काम के लिए हर दिन गुजरात महाराष्ट्र सीमा पार करता हूँ और मैं आमतौर पर इस पंप से पेट्रोल खरीदता हूँ। इस तरह हम पेट्रोल में लगभग 14 रुपए प्रति लीटर बचाते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो इस तरकीब को अपनाकर अपनी बचत कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर वे लोग हैं जो गुजरात के सीमावर्ती इलाके में रहते हैं या फिर वे लोग जिनका रोज ही गुजरात की सीमा में आना जाना होता है। वे तेल भराकर ही वापस लौटते हैं। बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई से लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए की एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। इसके बाद देश के दूसरे राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी पेट्रोल डीजल की कीमत कम हुई, लेकिन उतनी नहीं जितनी अपेक्षा थी। मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में पूछताछ के दौरान एक गवाह खालिद उस्मान शेख ने ईडी को अहम जानकारी दी है। खालिद ने ईडी को बताया है कि उसे दाऊद के छोटे भाई इकबाल कास्कर ने बताया था कि दाऊद परिवार के खर्चे के लिए हर महीने 10 लाख रुपए भेजता है। खालिद के मुताबिक इकबाल कास्कर ने यह भी बताया कि दाऊद अपने किसी आदमी के जरिए इन पैसों को भिजवाता है, उसे भी हर महीने 10 लाख रुपए मिलते हैं। कई मौकों पर उसने मुझे ये पैसे दिखाए भी है। खालिद उस्मान शेख का भाई इकबाल खासकर का बचपन का दोस्त था। हालांकि उसकी एक गैंगवार में मौत हो गई थी। वो हसीना पारकर का ड्राइवर और बॉडीगार्ड दोनों था। उसे लोग सलीम पटेल के नाम से जानते थे। खालिद ने ईडी को यह भी बताया कि एक बार सलीम ने बताया था कि वो और हसीना पारकर दाऊद के नाम पर लोगों से हफ्ता वसूली करते थे और प्रॉपर्टी पर भी कब्जा करते थे। ईडी का आरोप है कि सलीम पटेल और हसीना पारकर ने मिलकर गोवा वाला कंपाउंड को भी अवैध रूप से कब्जा किया था, जिसे उन्होंने बाद में नवाब मलिक को बेच दिया था। इकबाल कास्कर के मुताबिक दाऊद और उसकी पत्नी महजबीन के 5 बच्चे हैं। बेटे का नाम मोइन है, जबकि सभी बेटियों की शादी हो चुकी है। उसके बेटे की भी शादी हो चुकी है। कास्कर ने यह भी बताया कि 1993 बम धमाकों का आरोपी और दाऊद का दूसरा भाई अनिस इब्राहिम भी पाकिस्तान में रहता है। सरकार ने सभी गाड़ियों के थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाने की घोषणा की है। तो यासीन मलिक को मिली सजा पर अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दीवान ने कहा कि उसे उसके कर्मों की सजा मिली है। वही बंगाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की 21 वर्षीय मॉडल और एक्ट्रेस विदिशा डे मुजुमदार ने आत्महत्या कर ली है। इसी बीच महाराष्ट्र से निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी दी गई है। दिल्ली पुलिस ने मामले की शिकायत दायर की है। तो उधर भोजपुरी के सिंगर और एक्टर पवन सिंह अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक को लेकर चर्चा में है। आज गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई को लेकर पवन सिंह आरा के फैमिली कोर्ट पहुंचे। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सरकार ने सभी गाड़ियों के थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाने की घोषणा की है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सरकार का यह आदेश 1 जून से लागू होगा। इससे कार और दोपहिया वाहनों का बीमा महंगा हो सकता है। वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के रेट्स को इससे पहले 2019-20 में संशोधित किया गया था और कोरोना काल में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी इसे बढ़ाने की घोषणा की गई है। नया वाहन खरीदने के साथ ही वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना जरूरी होता है। मंत्रालय के रिवाइज रेट्स के मुताबिक 1000 सीसी क्षमता इंजन वाली प्राइवेट कारों के लिए प्रीमियम 2094 रुपये होगा, जो वर्ष 2019-20 में 2072 रुपये था। इसी प्रकार 1000 से 1500 सीसी इंजन की निजी कारों के लिए अब 3221 रुपये के बजाय 3416 रुपये प्रीमियम देना होगा। हालांकि 1500 से अधिक सीसी की निजी कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में कमी की गई है और यह 7897 रुपये से घटकर 7890 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार 150 से 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों का प्रीमियम 1367 रुपये होगा, जबकि 350 से अधिक सीसी के दोपहिया वाहन के लिए यह दर 2804 रुपये होगी। 1000 सीसी से कम क्षमता वाली नई कार के लिए 3 साल का सिंगल प्रीमियम 6521 रुपये होगा, जबकि 1000 सीसी से 1500 सीसी इंजन वाली कारों के लिए यह 10640 रुपये होगा। 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली नई कारों के लिए 3 साल का प्रीमियम 24596 रुपये होगा। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता और आतंकवादी घटनाओं के आरोपी यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिया गया है। यासीन मलिक ने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल किया था। हालांकि अलगाववादी नेता की सजा को लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है।
पाकिस्तान के कई जाने माने लोग भड़के हुए हैं और अपना गुस्सा पीएम मोदी पर निकाल रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने इसे न्यायिक आतंकवाद बता दिया है। वहीं अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दीवान ने इसे कर्मों की सजा बताया है। अजमेर शरीफ के दीवान जेनुअल आबिदीन ने यासीन मलिक की सजा को जायज ठहराते हुए इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बताया है। दरगाह के दीवान व आध्यात्मिक प्रमुख सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने ट्वीट के जरिए जारी बयान में कहा कि यासीन मलिक को पूरी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद उसके अपराधों के लिए दंडित किया जा रहा है। भारत की न्याय व्यवस्था ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता, स्वतंत्रता और पारदर्शी छवि को साबित किया, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया करती है। मलिक ने निर्दोष कश्मीरियों के हाथ से किताबें छीनकर उनके हाथ में जबरदस्ती बंदूकें देकर उन्हें आतंकवादी बना दिया। उसके कर्मों की ही उसे सजा मिली है और इस सजा से पाकिस्तान का आतंक पसंद चेहरा भी बेनकाब हुआ है। सिनेमा इंडस्ट्री से एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बंगाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की 21 वर्षीय मॉडल और एक्ट्रेस विदिशा डे मुजुमदार ने आत्महत्या कर ली है। इस खबर ने सभी को चौंका दिया है और पूरी बंगाली इंडस्ट्री सदमे में पहुंच गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 21 साल की बंगाली मॉडल और अभिनेत्री विदिशा ने अपने फ्लैट में फांसी पर लटक कर अपनी जान दे दी है। कल उनका शव उनके फ्लैट पर फंदे से लटका मिला। विदिशा नगर बाजार में रेंट पर एक फ्लैट में रहती थी। पुलिस दरवाजा तोड़कर फ्लैट के अंदर पहुंची, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। विदिशा ने 4 महीने पहले ही नगर बाजार में रहना शुरू किया था। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि पुलिस को फ्लैट से सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में विदिशा ने अपने आप को कैंसर से पीड़ित बताया है। हालांकि अभिनेत्री के करीबी दोस्तों का कहना है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के कारण पिछले काफी समय से डिप्रेशन में थी। विदिशा का बॉयफ्रेंड अनुभव उनको धोखा दे रहा था। विदिशा को डेट करते करते वह 3 और लड़कियों के साथ रिश्ते में था। वह अनुभव को किसी और के साथ बांटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अभिनेत्री के दोस्तों का कहना यह भी है कि सुसाइड नोट में कैंसर से पीड़ित होने वाली बात एकदम झूठी है। महाराष्ट्र से निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी दी गई है। दिल्ली पुलिस ने मामले में शिकायत दायर की है। राणा ने इस मामले में दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में कहा है कि उन्हें धमकी भरे 11 कॉल आ गए हैं। राणा को हाल ही में मुंबई स्थित शिवसेना मुख्यालय मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के आह्वान के मामले में गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिनों पहले ही उन्हें जमानत पर रिहा किया गया है। राणा के निजी सहायक ने उनकी ओर से फोन पर धमकियां दिए जाने को लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत की है। इसमें कहा गया है कि मंगलवार शाम राणा के निजी मोबाइल नंबर पर ये फोन कॉल्स किए गए। राणा के अनुसार फोन करने वाले व्यक्ति ने उनसे अभद्र भाषा में बात की, उन्हें अपशब्द कहे और महाराष्ट्र लौटने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। धमकी देने वाले ने कथित तौर पर राणा से ये भी कहा कि यदि तुमने फिर हनुमान चालीसा पढ़ी तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। मामले में दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि धमकी के बाद राणा दहशत में है। थाने के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सांसद की शिकायत मिली है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले सिंगर और एक्टर पवन सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार वो अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक को लेकर चर्चे में हैं। दरअसल पवन सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी से तलाक को लेकर कोर्ट में अर्जी दी थी। आज गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई को लेकर पवन सिंह आरा के फैमिली कोर्ट पहुंची है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट में लगभग 20 मिनट तक दोनों ने अपनी बात रखी। पवन सिंह अपने निजी सुरक्षा गार्ड के साथ कोर्ट पहुंचे। इससे पहले 28 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई थी, लेकिन पवन सिंह कोर्ट में नहीं आए थे। उसके बाद कोर्ट की तरफ से 26 मई की तिथि निर्धारित की गई थी और पवन सिंह को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया था। पवन सिंह ने 9 अक्टूबर 2021 को तलाक की अर्जी कोर्ट में फाइल की थी। पिछली सुनवाई के दौरान पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के वकील ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया था कि भोजपुरी स्टार ने 2 बार ज्योति सिंह का गर्भपात कराया है। पवन सिंह की पत्नी ने पर शादी के बाद प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। ज्योति सिंह पिछले कई महीनों से पवन सिंह से अलग रह रही है। बताया जा रहा है कि वे अब अपने मायके में रह रही है। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। भोजपुरी कलाकार पवन सिंह की पहली पत्नी की मृत्यु होने के बाद उन्होंने ज्योति सिंह से 2018 में दूसरी शादी की थी। पवन सिंह की पत्नी उत्तर प्रदेश की बलिया की रहने वाली है। नेपाल की शेर बहादुर देउबा सरकार और अमेरिका के बीच बढ़ती दोस्ती और बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों के काठमांडू में तिब्बती शरणार्थियों से मुलाकात पर चीन भड़क गया है। तो उधर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के आजादी मार्च के कारण राजधानी इस्लामाबाद जल रही है। वहीं अफगानिस्तान में कल अलग अलग जगहों पर हुए कई धमाकों की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। इसी बीच चीन के शिजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों पर होने वाले अत्याचार से जुड़े दस्तावेज लीक हुए हैं।
इन लीक दस्तावेज ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। तो उधर अमेजन के जंगलों में पिरामिड और मध्य युग की विशाल बस्तियां मिली है। इन पिरामिडों की ऊंचाई करीब 8 मंजिल ऊंची है। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नेपाल की शेर बहादुर देउबा सरकार और अमेरिका के बीच बढ़ती दोस्ती और बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों के काठमांडू में तिब्बती शरणार्थियों से मुलाकात पर चीन भड़क गया है। चीन ने अप्रत्यक्ष रूप से नेपाल सरकार से साफ कह दिया है कि आंतरिक या बाहरी किसी भी कारण से एक चीन नीति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। माना जा रहा है कि अमेरिकी अधिकारियों के लगातार हो रहे नेपाल दौरे से चीन टेंशन में आ गया है और उसे तिब्बती शरणार्थियों का डर सताने लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल चीन द्विपक्षीय सलाह तंत्र की 14वीं बैठक में चीनी पक्ष ने नेपाल के 2 शिविरों में अमेरिकी अधिकारियों के तिब्बती शरणार्थियों से मुलाकात पर आपत्ति जताई। इससे पहले अमेरिका की उप विदेश मंत्री उजरा जिया ने 2 तिब्बती शिविरों का दौरा किया था। इस बैठक में शामिल एक अधिकारी ने कहा कि चीन का संदेश बहुत साफ था। इस बैठक में नेपाल के विदेश सचिव और चीनी विदेश उपमंत्री शामिल थे। इस बैठक में नेपाल के कई विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इससे पहले अमेरिकी विदेश उपमंत्री और तिब्बती शरणार्थियों के समन्वयक उजरा जिया 20 मई को नेपाल के दौरे पर आई थी। उन्होंने नेपाल की इच्छा के विपरीत जाकर तिब्बती शरणार्थियों से मुलाकात की। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उन्हें अमेरिकी मंत्री के शिविरों में दौरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नेपाल में करीब 15,000 तिब्बती शरणार्थी रहते हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के आज़ादी मार्च के कारण राजधानी इस्लामाबाद जल रही है। पाकिस्तान के गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी और सरकार के बीच किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सका है। इमरान खान और उनका काफिला राजधानी इस्लामाबाद में पहुंच चुका है। उनका काफिला जैसे ही शहर के डी चौक की ओर बढ़ने लगा, पूरे इस्लामाबाद में स्थिति अनियंत्रित होने लगी। विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसके बाद सेना बुलाने का फैसला लेना पड़ा। इस्लामाबाद पुलिस ने चेतावनी दी है। पुलिस ने ट्वीट किया कि रेड जोन में प्रवेश बर्दाश्त नहीं होगा। सभी प्रदर्शनकारियों और उनके नेताओं से अनुरोध है कि वे अदालत के आदेशों के अनुपालन में उक्त क्षेत्र में प्रवेश करने से परहेज करें। फिलहाल सरकार और पीटीआई के बीच कोई सहमति नहीं हो सकी है। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद दोनों पक्ष बातचीत में जरूर लगे, लेकिन वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। इस्लामाबाद के रास्ते में हसन अब्दाल में इमरान खान अपने मार्च के साथ रुके, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि हम यहां राजनीति के लिए नहीं बल्कि जिहाद के लिए आए हैं। जब तक चुनाव के तारीखों की घोषणा नहीं होती, हम डी चौक नहीं छोड़ेंगे। खान ने कहा कि चोर और अमेरिका के नौकर इस्लामाबाद में शासन कर रहे हैं। हम अपने देश को इनके हवाले नहीं छोड़ेंगे, देश इन्हें कौम के हवाले करना होगा। अफगानिस्तान में कल अलग अलग जगहों पर हुए कई धमाकों में 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें राजधानी काबुल स्थित एक मस्जिद के अंदर विस्फोट भी शामिल है, जिसमें कम से कम 5 लोग मारे गए। इसके साथ ही देश के उत्तरी क्षेत्र में गाड़ियों को निशाना बनाकर किए गए 3 बम ब्लास्ट में 9 यात्री मारे गए थे। तालिबान ने कहा कि अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, हम ताज़ा जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। बल्क प्रांत में तालिबान की ओर से नियुक्त प्रवक्ता मोहम्मद आसिफ वजीरी के अनुसार उत्तरी शहर मजारे शरीफ में कुछ मिनी वैन को निशाना बनाकर उनके अंदर विस्फोटक उपकरण रखे गए। इन धमाकों में 9 लोग मारे गए और 15 घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि मजारे शरीफ के सभी पीड़ित देश के अल्पसंख्यक शिया मुसलमान थे। किसी समूह ने विस्फोटों की तत्काल जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इस तरह के विस्फोटक इस्लामिक स्टेट समूह के क्षेत्रीय सहयोगी की ओर से किए जाते हैं, जिसे इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रोविंस या IAS के रूप में जाना जाता है। यह समूह 2014 से अफगानिस्तान में सक्रिय है और देश में नए तालिबान शासकों के लिए बड़ी सुरक्षा चुनौतियां पेश कर रहा है। अफगानिस्तान में पिछले साल अगस्त में सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान ने पूर्वी अफगानिस्तान में IAS के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। चीन के शिजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों पर होने वाले अत्याचार से जुड़े दस्तावेज लीक हुए हैं। इन लीक दस्तावेज ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। इन दस्तावेजों में हजारों लोगों की तस्वीरें हैं, जिन्हें जबरन कैद किया गया है। इन लोगों पर किस तरह की हिंसा हो रही है और उन्हें किस तरह कैद किया गया है, इसे देख दुनिया हैरान है। चीन पर रिसर्च करने वाले शोधकर्ता एड्रियन जिंज ने इन फाइलों को ऑनलाइन अपलोड किया है।
इन दस्तावेजों से पता चला है कि चीन मुस्लिमों से कुरान समेत सभी धार्मिक चीजें जब्त कर रहा है। एड्रियन ने कहा कि चीन ने लगभग 10 लाख से ज्यादा उइगर मुस्लिमों और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों को डिटेंशन सेंटर और जेलों में कैद कर रखा है। वही चीन इसे ट्रेनिंग सेंटर कहता है। इन फाइलों में शिनजियांग में कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सचिव चेन क्वांगगो का 2017 का एक भाषण शामिल है, जिसमें कथित तौर पर उन्होंने इन डिटेंशन सेंटर से भागने की कोशिश करने वालों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। वही चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री झाओ केजी का 2018 का एक आंतरिक भाषण भी इसमें शामिल है, जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आदेश दिया है कि इन डिटेंशन सेंटरों की क्षमता को बढ़ाया जाए। वही चीन के विदेश मंत्री ने इन दस्तावेजों को नकार दिया है और कहा कि मीडिया के जरिए चीन विरोधी ताकत झूठ फैला रही है। अमेजन के जंगल दुनिया में मौजूद सबसे घने जंगलों में से एक है। ये दुनिया के फेफड़े भी कहे जाते हैं। ये जंगल अपने अंदर कई राज छिपाए हुए है। कहा जाता है कि यह सोने का शहर भी है, जिसे खोजने कई लोग गए और वापस नहीं लौटे। सोने का शहर मिले या न मिले, लेकिन वैज्ञानिकों को रिसर्च के दौरान यह पिरामिड और मध्य युग की विशाल बस्तियां मिली है। इन पिरामिडों की ऊंचाई करीब 8 मंजिल ऊंची है। नेचर जर्नल में यह रिसर्च पब्लिश की गई है। घने जंगलों में इस तरह की खोज करना बेहद मुश्किल है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के जरिए इसके बारे में पता लग सका है। लेजर मैपिंग की तकनीक से ये हैरान कर देने वाले रिजल्ट मिले हैं। हेलीकॉप्टर पर लेजर मैपिंग डिवाइस लगाया गया और इसे जंगल के कई हिस्सों के ऊपर से ले जाया गया। इस डिवाइस से एक 3D इमेज मिली, जिसमें पेड़ नहीं थे और जमीन की सही आकृति का अनुमान लग सका। इस नई खोज से वह धारणा भी कमजोर हुई है, जिसके मुताबिक 16 शताब्दी में यूरोपीय उपनिवेश आने से पहले यहाँ परिष्कृत समाजों की कमी थी, लेकिन इससे पता चला है कि यहाँ एक उन्नत सभ्यता रहती थी। शोधकर्ताओं ने खुलासा किया है कि लगभग 1500 साल पहले प्राचीन अमेजोनियन लोगों ने इसे बनाया और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रहते थे। इसमें 22 मीटर ऊंचे मिट्टी के पिरामिड थे। इसके साथ आबादी के आसपास का इलाका कई किलोमीटर लंबी सड़कों से जुड़ा था। पुरातत्वविदों का कहना है कि अभी तक हम अमेजन में बसी सभ्यता को जिस हिसाब से देखते थे, ये उससे काफी अलग है। तो आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।